हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं खुलासा, वो भी चच्चा का। अरे चल चल, अरे हम पर वीडियो बना रहे और हमें नहीं बुलाया तो हम खुद ही चले आए। कैसे हो सब? बढ़िया हो ना? लेकिन हम तुम सबसे बहुत नाराज हैं, तुम चच्चा का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। क्या बात होगी भैया? तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले फटाफट चच्चा का चैनल सब्सक्राइब करो यार, है वरना चच्चा लग तुरुक तुरुक कर देगा। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चच्चा ने हमसे वादा किया था कि 20K पे वो साइंटिस्ट की वर्ल्ड की वीडियो आएगी, तो आई नहीं। अरे भैया हमको अच्छे से याद है, अच्छे से दिमाग में है हमारे, बट यार वो स्पेशल वीडियो है समझ लो, स्पेशल वीडियो है तो वो स्पेशल ओकेजन में ही तो आएगी। वो आएगी 50K स्पेशल ओकेजन पे, तो तुम फटाफट 50K सब्सक्राइबर करा दो और अगले दिन ही वो वीडियो आ जाएगी। ये चक्का का वार्ड है, अगर नहीं आए तो चक्का का लक टूट प्रूफ कर देना यार, इससे ज्यादा मैं कहा बोलूं। चलो आप वीडियो भी स्टार्ट करते हैं, हमारा खुलासा कर रहा है भैया, देखते हैं क्या खुलासा करेगा ये। बड़ा आया खुलासा करने वाला। तो ये रही हमारी वो पहली क्लिप जिसमें चचा की एंट्री होती है, और वो आते ही फ्लीट भाई से सीधे सीधे साफ साफ झूठ बोल देते हैं कि वो मदद करने आए हैं, क्योंकि चचा को तो बारबेरियन किंग ने ही भेजा होता है। भाई साफ साफ झूठ बोला है यहाँ पे। तो भैया मैं तो बोल रहा हूँ ये भाई सुधरे नहीं है, ये अंदर से गंदे ही है, जैसे इस समय थे गंदे। सुन लो इस बेवकूफ की, मीपुर अभी ये कौन है? ओ नो भाई, ये वही बंदा है क्या? अबे बारबेरियन किंग का चाचा। इस पॉइंट पे फ्लीट भाई पहचान लेते हैं कि ये बारबेरियन किंग के ही चाचा हैं, उन्हीं ने ही भेजा होगा। लेकिन भाई चाचा बहुत तेज है दिमाग से, वो बहलाते हैं फुसलाते हैं और सारे फ्लीट से भी मेंबर्स को अपनी बातों से मना लेते हैं। व्हाट? अरे मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अबे मदद तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? यहाँ कैसे पहुँच गए बंदा? बात तो सही है, तो ले ले फिर इसकी मदद, कर ले भरोसा। लो भाई पकड़ो गंजे को। अरे यार तू भाई हल्के बोल ले, तो भाई यहीं आके मारेगा तेरे को भी हमको भी। तो हम लोग आपकी मदद तो ले लेंगे। बस यहीं पे कर दी फ्लीट SMP मेंबर्स ने गलती, चच्चा की बातों पे यकीन कर लिया। भाई चच्चा ने मेरे को अंदर दबा के रखा था, मतलब मैं अंदर था और चच्चा बाहर थे। मैं इतना अच्छा हूँ, चच्चा गंदे थे भाई, बारबेरियन किंग से मिले हुए थे और उन्होंने फंसा दिया। और आखिरकार फ्लीट एसएमपी मेंबर मान ही गए और बारबेरियन किंग का प्लान काम कर ही गया। तो भैया इस क्लिप से तो साफ 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 क्लियर हो जाता है, चाहे कुछ भी बोले अंदर से वो गंदे हो सकते हैं या फिर अभी भी मैं तो कहता हूँ हैं। आओ अगली क्लिप देखते हैं। तो ये रही हमारी अगली क्लिप, और इस क्लिप में भाई फ्लीट SMB मेंबर्स रैलिक को ढूंढते ढूंढते सारी स्टेज पार करते करते अगली स्टेज में पहुंचे, जिसमें उनकी फाइट हो रही है, इंटेंस फाइट हो रही है। फ्लीट भाई लड़ रहे हैं, सबके सब लड़ रहे हैं, और मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है ना जिससे साबित हो जाएगा कि चच्चा ना सेल्फिश है, अपनी जान बचाना जानते हैं वो अच्छे से, साइड में हो जाते हैं और सबको लड़ने देते हैं, मरो कहते हैं, मतलब सीधी सी बात है यार, वो ईविल है अंदर से। आओ देख लो मैं दिखाता हूँ। ओह नो रानी, तेरे को भागना पड़ेगा थोड़ा सा, तेरे पीछे पड़ रहे हैं। ओह नो शिट भाई, मैं मरने वाला हूं। रुको एक मिनट रुको, ये भागता भागते इधर आ जा, आ जा। ओ भाई व्हाट, देख लो पीछे जाओ। ओ कितनी कितनी इंटेंस फाइट चल रही है, और चच्चा का 0% कंट्रीब्यूशन है, वो लड़ना ही नहीं चाह रहे। भाई चच्चा लड़ तो सकता ही है ना यार, चल लड़ क्यों नहीं रहा? साइंस की कसम मैं भी होता ना, मैं भी साइड रहता हूँ, बट मैं लड़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो यार हेल्प कर देता हूँ। लेकिन चच्चा एक पॉइंट की हेल्प कर रहे, साइड में दिख रहा है वो देखो देखो देखो, वो साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पॉपकॉर्न लेके देख रहे हैं, जैसे कि भैया मूवी चल रही होगी। अरे भैया फाइट चल रही थी, खतरनाक, कोई भी मर सकता है, इसमें हेल्प तो करो थोड़ी। ये क्या बात हुई कि तुम्हें हेल्प ही नहीं करनी है? साइंस की कसम। ओ नो मैं मर गया। ओ नो मेरे पास दो हार्ट्स है भाई, ये अभी तक का सबसे खतरनाक। वो देखो वो देखो। ओ भाई हां चाचा सही हो रहा सब, कोने में बढ़िया हो रहा है, गरम हो रहा है। अरे भाई अब जब फ्लीट भाई ने देख लिया है कि वो साइड में खड़े होके बस गर्मी ले रहे हैं, मतलब आराम ले रहे हैं, तब चच्चा के मुंह से आवाज निकलती है, अरे, जैसे कि भाई कितने ही डर गए होंगे, भाई तुम्हारे पास तो एक बंदा भी नहीं आया मारने के लिए, तुमने एक बंदे को एक टच भी नहीं किया है, वहां SMP मेंबर्स की वाट लग चुकी है। उई, बच गया भाई, मैं वहीं जा रहा था अभी। पकड़ो इसको, पकड़ो, लास्ट बचा भाई। ओ नो भागो, क्या कर रहा है ये बंदा भाई, फाइनल में तो ये कुछ। ओ नो भाई, ये बंदा लास्ट में दिमाग लगा रहा है, ये अपने सारे स्पॉन्स के बीच में रह रहा है और ज्यादा स्पॉन करते जा रहा है। ओ नो अरे बढ़िया बढ़िया, सुनो इसके स्पॉन के बीच में रहोगे। ओ भाई मतलब चच्चा को ना शर्म नाम की चीज बिल्कुल नहीं है, वो रहे साइड में खड़े हुए अभी भी। मतलब फ्लीट भाई ने एक बोल दिया है कि चच्चा सही हो रहा है, इसका मतलब ये है भाई थोड़ा कंट्रीब्यूशन डालो, थोड़ा लड़ाई तो करो, लेकिन चच्चा को लड़ाई करनी ही नहीं है, साइड में खड़े।
मतलब ये क्या बात हुई यार, एक तो जब इनकी मर्जी आती है बाहर आ जाते हैं और मेरे को अंदर फेंक देते हैं, जब इनकी मर्जी आती है और जितना देर चाहे उतना देर ये बाहर रहते हैं, मेरे को अंदर ही रखते हैं। अभी इस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी, तब ये साइड में खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब सीधी बात है, चाचा सबको मरने दे रहे हैं। तो ये रही हमारी अगली क्लिप, और इसमें भी मैं साबित कर सकता हूँ कि चाचा एविल है। कैसे? ये रहा वो बॉक्स जिसके अंदर रेलिक है, और चच्चा को साफ पता था जैसे ही फ्लीट भाई से खोलने की कोशिश करेंगे वो जेल के अंदर बंद हो जाएंगे। बट वो नहीं बताते, चाहे तो बता सकते थे अगर उनको बार्बेरियन किंग ने धमकाया भी था। तो भाई बार्बेरियन किंग तो आसपास कहीं है ही नहीं ना, उनको बता दो साइड से जाके कि भाई इसमें अगर तुम इसे खोलोगे तो तुम जेल बंद रहोगे। लेकिन नहीं भाई, इविल है वो, इविल तो वो बताता ही नहीं है, और वो भी चाहता था कि ये लोग जेल में बंद हो जाएं, और यही हुआ, वो जेल में बंद हो गए। लेट्स सी क्या व्हाट हैं हैं अबे ये क्या हुआ व्हाट अबे रोनी अबे ये क्या हुआ। फ्लीट असेंबली मेंबर्स को जेल में बंद करने के बाद चच्चा बार्बेरियन किंग के साथ आता है वापस इधर, मतलब कि रैलिक को लेने के लिए। बट भाई क्या हुआ था वो सबको मालूम है कि कैसे भी करके देव और फ्लीट भाई ने मिलके रैलिक को पहले ही ले लिया था, और वो छुपे हुए थे साइड में। और अब देखो क्या होता है। तो इसका मतलब वो जो चाचा है उनकी पावर से। हेलो चाचा, निकालते हैं इनकी बर्बादी का तीसरा औजार। ये क्या चाचा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं एक ही बार ही पागल बनता हूँ, हर बार नहीं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो बच्चे मुझे इधर ही लाए थे, मैं बता रहा हूँ, इसी में देखा था मैंने। तो यार यही से कैसे हो सकता है फिर ये हेड ऑफ पावर? रुक रुक, वो हरा वाला, उसको मैंने जेल में नहीं देखा, वो ही है। उनको देव पे शक हो क्या? हरा वाला। तो भाई बार्बी ने क्यों, कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो ग्रीन वाला मतलब देव वहां जेल पे नहीं था। और बट ये बार्बी ने किंग के दिमाग में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो एविल चच्चा ही है भाई। वो बता देता है साफ साफ कि भाई उसने हरे वाले को नहीं देखा जेल में, उसको याद था कि हरा वाला मतलब देव नहीं था जेल में, और उसने ही रैलिक चुराया होगा। बट ये बताने की जरूरत तो नहीं थी ना, बार्बी किंग को नहीं बताते। लेकिन भाई चच्चा एविल है, चच्चा ने बार्बी ने किंग की मदद तो करनी ही थी, तो बता दिया कि भाई देव नहीं था। अब क्या होगा, अब वो देव को ढूंढने निकलेंगे और वापस जा रहे हैं वो जेल में। अब उनको पकड़ना पड़ेगा हमको वापस से, चलो। उनको पकड़ने की क्या जरूरत है, उनके सारे के सारे जेल में तो हैं, उनको ही पकड़ लेते हैं, पूछ लेते हैं। जेल में? हाँ, उन लोग जेल बंद क्या रहे हैं। चलो जेल में चाचा। चच्चा इविल है, इसका सबूत ये साफ है कि वो हर चीज बार्बी किंग को बता देते हैं। बार्बी किंग को याद ही नहीं रहता भाई कौन कहाँ किधर कैसे, लेकिन चच्चा वो ऐसे बने पड़े हैं ना, हर चीज बार्बी किंग के दिमाग में डाल दे रहे। भाई सीधी सी बात है, दिख तो रही है कि चच्चा कितनी मदद कर रहा है बार्बी किंग की, उल्टा और भी उसे गुस्सा दिला दिया है, वो वर्ल्ड को तबाह करने के लिए अब तैयार है। तो ये रही हमारी अगली क्लिप, और इसमें फ्लीट भाई और देव ने चच्चा को पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था, और उनसे साफ बोला था कि भाई हमको ले जाओ जेल की तरफ जल्दी से। और चच्चा भाई सीधे सीधे ले जा ही नहीं रहे थे, गोल 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 घुमा रहे थे, हैं चाहते अच्छे होते ना तो सीधे ले आ लेते। चलो आओ। अरे भाई मुझे लग रहा है बार्बेरियन किंग का वेट कर रहे हैं। भाई मेरे को भी लग रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है हमको, और पता नहीं भाई कितनी दूर है भाई, और कितनी। अरे चाचा सुनो, पहली बात तो ना, हाँ चालाकी भी मत करो, और ज्यादा पीछे को कान नहीं आगे को ध्यान रखो अपना, ठीक है? क्या बोल रहे हैं वो, रुक रुक के सुनने की जरूरत नहीं है तुमको। नहीं नहीं बेटा, मेरे कान वैसे भी खराब है, मेरे दूर का छोटी सी बात वो दिख रहा है मेरे को, कितने खराब है तुम्हारे कान है ना, इतना पीछे है तब भी सुनाई दे रही है उसकी आवाज। चंट बन रहे चाचा तुम्हें ना, एक ही बारी में चंट बनाऊंगा मैं, रुको जरा। बहुत अंधेरा भी हो गया ना, तुम मेरे को देख के रखना पड़ता है। ओहो हमको तो पता है भाई, आप बहुत बूढ़े हो, हैं जेल बना देते हो अकेले, उसमें लोगों को जेल में डाल देते हो आप, जलवा है हमारा, और उसके बाद बोलते हैं चल हट। हैं हां, नहीं 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 बेटा, सब पुरानी बातें भूल जाने चाहिए। ये क्या बोल रहे भाई तुम, चलो फटाफट। अरे चलो यार चाचा तुम, भाई एक दिन हो गया पूरा, ये बंदा घुमा रहा है एक ही जगह गोल गोल, मैं बता रहा हूँ, हमें बेवकूफ मत बनाना चाचा, अभी बता रहा लास्ट टाइम। नहीं बेटा नहीं बेटा, याद है चाचा आपको? बेटा बिल्कुल इधर ही था, मतलब इधर ही है, आओ मेरे पीछे आओ।
अबे यार ये क्या भाई, हमें बेवकूफ ना बना रहे हो भाई। पता चला बार्बेलिंग की इंत में पहुंच भी गया होगा जहां पर देवता, ये पागल जैसा हमें पागल बना रहा है तब से। अबे चलो ना वहां के खड़ा हो गया बेटा। ये इसी के नीचे है पक्का। अब चचा अपना असली रूप दिखाने वाला है। अभी तक का चचा बोल रहे थे कि चचा बहुत अच्छे हैं भाई, उन्होंने बार्बेरियन किंग के सामने इसलिए बोल दिया। चलो अगर हम वो बात मान भी ले, तुमने बार्बेरियन किंग के डर से किया, तो भैया यहाँ पे फिर से वो यही करते हैं, फ्लीट भाई को फिर से धोखा देते हैं, फिर से वो भाग जाते हैं। मतलब चचा को मैं इज्जत की दे रहा हूँ भाई, भाग जाते हैं, चचा भाग जाता है। देखो पक्का बेटा इसी के नीचे है। देख दूर रहिए, ये पता लगा ट्रैप लगा रहा है कोई दोबारा से। हैं मैं करता हूं ठीक है। हां देख चेक कर दूर रह, मैं इसको देखता हूं ठीक है। है नीचे है कुछ, है नीचे ओए। ओ वो देखो रुक जा, देखो देव को धक्का मार रहा। अबे तेरे को बताता हूं मैं, रुक जा बार्बेरियन किंग आएगा सारा बड़ा लेगा। अबे तेरा बदला ले, अबे कहां गया? देखा तुम लोगों ने, चचा इविल है, धक्का दे के देव को भाग गया वो। तो ये रही हमारी वो अगली क्लिप जिसमें फ्लीट भाई ने सारे फ्लीट एसएमबी मेंबर्स को बचा लिया था जेल से। हमें याद होगा चचा ने देव को धक्का दिया था और भाग गया था। देखो अपनी जान बचा तो ली, लेकिन गलती ये कर दी कि जेल का रास्ता बता दिया और भाग गया। इससे भाई ये हुआ कि फ्लीट एसएमपी मेंबर बच गए, फ्लीट भाई ने सारे मेंबर्स को बचा लिया और अब वो भाग रहे हैं। बट आगे कुछ होने वाला है। बढ़िया बांटो, फटाफट बांटो, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो भाई, भागो फटाफट भाग जाए, रुक मत, फॉलो मी यार, ये फॉलो मी लिखने के लिए रुक रहा गधा कहीं का, जल्दी चल भागो यार, बार्बेरियन होगा, तुम लोग आ रहे हो ना साथ में, जल्दी चलो यार, इस गधे की वजह से अगर हम मर गए ना, मैं बता रहा हूँ तुम लोग, जल्दी भागो, ओली लाइक कर दो, अरे यार लाइक कर दो ओली प्लीज यार, भागो जल्दी भागो, बार्बेरियन किंग ना आ जाए, जल्दी चलो यार वो। अबे ये देखो, अगर चचा थोड़ा सा भी अच्छा होता ना, तो बार्बेरियन किंग को यहाँ लेके तो बिल्कुल नहीं पहुंचता भाई। वो अपना तो भाग गया था, तो भाई भाग ही जाता ना, बताने क्या जरूरत थी बार्बेरियन किंग को कि भाई जेल से सारे के सारे एसएमपी मेंबर को छोड़ा दिया है, अब उनको पकड़ते हैं। और एग्जैक्टली उसे पता था, चचा को ही पता था एग्जैक्टली कि कहाँ पे ये लोग हैं और किधर से भाग रहे हैं। तो भाई लेके पहुंच गया बार्बेरियन किंग को, देख लो भाई भागो भागो भागो। ये देखो तुमने मेरी हालत खराब कर दी, मेरे से गाने करवाए, मेरी सांसें फुला दी तुम लोगों ने, अब आएगा मेरा तुमको मारेंगे जब। चाचा बिल्कुल चुप, तुम्हारी वजह से ये सारे बाहर हैं। सही हुआ, मैं क्या कहता, मेरे को ये मार ही देते, एक करके मारूंगा चाचा। बिल्कुल सबको मारना, अब रिलीक तो मैं लूंगा ही लूंगा, अब ये सारे कटेंगे भी। तो भाई क्लियर देख लो, चचा ने कैसे एसएमपी मेंबर्स को फंसा दिया है भाई। साइंटिस्ट अच्छा है, चचा अच्छा नहीं है भाई, मान लो बात को। तो ये है वो हमारी अगली क्लिप जिसमें सारे के सारे एसएमपी मेंबर्स भाग रहे हैं बार्बेरियन किंग से, और काफी दूर भागते भागते यहाँ पहुंच गए। लेकिन आगे क्या होता है आप देखो, फटाफट चलो भाई हम लोगों को भाई शाम होने से पहले पहुंचना जल्द। वो देखो तुम, देख लो सबसे पहले किसका चेहरा नजर आता है, किसका आया, चच्चा जी का भाई। सबसे पहले चच्चा जी पहुंच चुके हैं वहां पे, बार्बेरियन की पहुंचा भी नहीं है, चच्चा पहले पहुंच गए। जैसे कि चच्चा को ना ज्यादा हो रही है पकड़ने की, क्या इनको पकड़ लेते हैं। मुझे लग रहा है आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे वो रेलिक दे दो और सबकी जिंदगी में प्यार से बख्शूंगा। मैं बख्शूंगा तो नहीं, बट प्यार से मारूंगा बिना दर्द के। अरे दिमाग खराब है क्या? ओ चाचा ओ, तेरे को तो मैं बताऊंगा, रुक जा। तूने तू क्या बताएगा मुझे, चल चल। तो रेलिक चाहिए तो मार के लेना रेलिक, समझा क्या? आजा पीछे, शिट, ओ नहीं पीछे, भागो 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 भागो। तो भाई फ्लीट भाई ने कैसे भी करके एंड टाइम पे छोटा मोटा प्लान बनाया और देव रॉनी और जैक को लगा दिया चच्चा जी के पीछे, और अपना भाई जान पे खेलते हुए ना बार्बेरियन किंग को अपने पीछे लगा दिया। इसमें भी साबित होता है कि चच्चा इविल है। यार ये क्लिप देखने के बाद ना मेरा थोड़ा दिमाग ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है और मैं पूरा का पूरा कंफ्यूज हो गया हूं। तो भाई मैं सब कुछ तुम पे छोड़ दे रहा हूं यार, कि तुम डिसाइड कर लो कि क्या है सीन। एक मिनट तुझे बता दूंगा अच्छे से, यहाँ इसने जितना परेशान कर रहे।
मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं सही आदमी। रुक जाओ, अरे रुको रुको, एक मिनट रुक जाओ। मैंने तुम्हारी कितनी मदद करी है तुम्हें मालूम भी है? इसने हमारी मदद करी, देखो सारे, इसने करी है मदद हमारी। करी भाई मदद? अच्छा, क्या मदद करी है भाई? क्या क्या मदद करी है? रुक जाओ एक मिनट, पहले जरा बैठ जाता हूँ, तुम चढ़ रहे हो मेरे पे, रुक जाओ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों को जेल से किसने निकाला? मैंने निकाला, कुछ पता है तुमको? और सबसे इम्पोर्टेंट, नैदर से थर्ड रैली का रास्ता किसने है? किसने? मैंने। और एक मिनट, ये मेरा बल्लू बेटे को किसने भेजा? मैंने। और अभी सबसे ज्यादा खतरनाक जरूरी चीज जो तुम्हें मैंने टाइम खरीद के दिया है ना, जिससे तुम अंदर आके बच गए हो, ये है जान बची है तुम्हारी, ये भी मैंने किया है। बोलते हो किसने करी? भाई कितना चंट बन रहा है, तुम लोग समझ रहे हो इसकी बात? बेटे अब हम नहीं फंसते बच्चों वाली बातों में। भाई इसने कितनी बार हम लोगों को फंसाया, याद करो जरा, है कितनी बार तू हम लोगों को लेके गया? फर्स्ट रैली को किसने दिलवाया उसको? है बार्बेकिंग को किसने? और तू बोल रहे जेल में, अरे जेल में डाला किसने हमको, ये भी तो याद करो। है जेल का वो रास्ता बना, और नेदर खराब किसने करा? है कौन था वो? मतलब मैं खुल्लम खुल्ला तुम्हारी मदद कर दूं? है वो बार्बेकिंग किंग को तो भाई है, वो तो मेरे को मतलब कुछ भी समझेगा, उसको खुल्लम खुला मैं थोड़ी कर सकते हैं भैया, उसको भी दिखाना पड़ेगा ना कि हम उसके ही तरफ है, है? तुम्हारी तरफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है भैया, समझा करो बात को यार, कैसी बातें करते हो। तो भाई चच्चा के हिसाब से चच्चा ने ही फ्लीट एसएमपी मेंबर की सारी मदद करी है, मतलब चच्चा बोल रहे हैं कि उन्होंने ही फ्लीट एसएमपी मेंबर्स को जेल से निकलवाया, उन्होंने ही थर्ड रैली का रास्ता फ्लीट एसएमपी मेंबर्स को बताया, उन्होंने ही बल्लू को भेजा, भाई सबसे इंपॉर्टेंट फ्लीट भाई की जान बचाई जिसने, चच्चा नहीं भेजा ये चच्चा बोल रहे हैं। अभी इस वक्त जब फ्लीट एसएमपी में भाग रहे थे तो भाई चच्चा बोल रहे हैं कि उन्होंने बार्बेरियन किंग को गोल 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 घुमाया और जिससे एसएमपी मेंबर सेफली अंदर आ सके। तो यार चच्चा अच्छे हैं बुरे? साइंस की कसम पूरा दिमाग घूम गया, मुझे कोई केमिकल ड्रिंक चाहिए अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। यहाँ पे तो क्लियर साबित हो गया कि चच्चा अच्छे हैं, इनने तो सारी सारी बाजी मान ली, जलवा है हमारा। तो साइंस की कसम यार मैं बहुत अभी डिस्प्रेशन में आ चुका हूँ, मुझे मुझे आज तक किसी केमिकल फॉर्मूले ने इतना कंफ्यूज नहीं किया होगा जितना भाई चच्चा ने कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चच्चा अच्छे हैं या बुरे हैं, कभी अच्छे दिखते हैं कभी बुरे दिखते हैं, मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूं और अपना डिसीजन आप लोग के हाथ में रखता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना चच्चा अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन बताना जरूर यार, ठीक है। सो होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो पता है ना गाइस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट यार, जिसने भी नहीं किया है 50K हिट करना है और वो स्पेशल वीडियो 50K में जरूर आएगी, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन पता है ना क्या करना है, साइंटिस्ट को मेंशन कर देना यार, ठीक है, थोड़ी अपनी इज्जत बढ़ जाएगी यार चच्चा से, ठीक है। और मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।